दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत, आपने किया 50 का आंकड़ा पार, आप नेता मना रहे हैं जश्न। चुनावी रुझानों के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली में हार तय, बीजेपी के खाते में 15 से कम सीटें, बीजेपी नेताओं ने आप पर साधा निशाना। दिल्ली में फिर हुआ कांग्रेस का सूपड़ा साफ, रुझानों के मुताबिक दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस, कांग्रेस के दफ्तर में छाई मायूसी। दिल्ली में हार को लेकर बोले मनोज तिवारी, मुझे जो भी झेलना पड़े मैं तैयार हूं, नतीजों की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। दिल्ली में जीत के बाद आपके दफ्तर में मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, नेताओं ने बांटी मिठाइयां। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस में मची कलह, शर्मिष्ठा ने की कार्रवाई की मांग, कहा नेताओं ने नहीं दिया चुनाव पर ध्यान। आयुष्मान भारत योजना में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य होने पर तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज, कहा नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी की है फिक्र, बिहार की नहीं। बुरका वाले बयान पर फंसे योगी के मंत्री रघुराज सिंह, बीजेपी ने नोटिस देकर पूछा क्यों ना करें निष्कासित, विपक्ष ने उठाए थे सवाल। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर संतों के आगे झुकी मोदी सरकार, सरकार ने दिए महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को ट्रस्ट में शामिल करने के संकेत, संतों ने की थी शामिल करने की मांग। गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रिंसिपल प्रोमिला को घेरा, पूछा आखिर कॉलेज प्रशासन हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाया और इस मामले को क्यों दबाया। जामिया प्रोटेस्ट में घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे कुलपति नजमा अख्तर, सोमवार को छात्रों के मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, 35 छात्रों को आई थी चोट। आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगी वियतनाम की उपराष्ट्रपति, आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगी वार्ता। 24 से 25 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी के साथ गुजरात का करेंगे दौरा। सियारा तूफान ने यूरोप में दी दस्तक, भारी बारिश से 62,000 घरों में बिजली गुल, हवा की रफ्तार 156 किलोमीटर प्रति घंटा, कई उड़ानें रद्द। भारतीय ऑनलाइन कैब कंपनी ओला ने अब लंदन में शुरू की सेवा, कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने कहा लोगों को देंगे अच्छी सुविधाएं। केंद्र सरकार जल्द जारी करने जा रही है 1 रुपए का नया नोट, 1 रुपए का नया नोट वित्त मंत्रालय करता है जारी, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है हस्ताक्षर। भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग ने बांग्लादेश के व्यवहार पर दिया बड़ा बयान, कहा जीत के बाद भद्दा था बांग्लादेश का बर्ताव। विराट कोहली को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी का बयान, कहा मेरा काम विकेट लेना है, विराट महान खिलाड़ी हैं। म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम शिवांगी जोशी, शिवांगी जोशी ने निखिल डिसूजा के साथ म्यूजिक वीडियो किया शूट। अनन्या पांडे ने की 23 घंटे तक लगातार शूटिंग, फैंस के साथ शेयर किया एक्सपीरियंस, कहा मेहनत करके अच्छा लगा।